मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बड़ी खबर। पानी की समस्या को लेकर खोदे गए बोर से निकला तरल पदार्थ ग्रामीणों का लग गया जमावड़ा। डिंडोरी जिले के पड़रिया कला गांव में जल संकट को लेकर पीएचई विभाग के द्वारा गांव में दो बोर खोदे गए थे, लेकिन एक बोर फेल हो गया था और दूसरे बोर में पानी पर्याप्त मात्रा में निकला था। हम आपको बता दें कि गांव में व्याप्त जल संकट को देखते हुए पीएचई विभाग के द्वारा गांव में दो बोर की खुदाई विभाग के द्वारा की गई थी, जिसमें एक बोर में पर्याप्त मात्रा में पानी निकला तो दूसरा बोर फेल हो गया। लेकिन दो माह बाद फेल बोर के पास कुछ ग्रामीण पहुंचकर पानी को मापने के लिए पत्थर डालते हैं। पत्थर डालते ही अजीब सी आवाज बोर के अंदर से आती है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धागे के सहारे बोर में शीशी डाली और बोर से शीशी के सहारे पानी के साथ कुछ तरल पदार्थ बाहर आया। ग्रामीणों ने तरल पदार्थ को जांच करने के उद्देश्य से कंडे पर डालकर माचिस की तीली लगाई, जिससे आग जल उठी। ग्रामीणों ने उक्त घटना की सूचना संबंधित विभाग को दी। उक्त घटना खबर पूरे क्षेत्र में आग के माफिक फैल गई। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से रघुनंदन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। 15 दिन बाद अपन खोल के देखे तो पानी सैंपल लिए थे, उसमें मिट्टी तेल के गंध आ रही थी। इसके पश्चात आज शनिवार को फिर हमने देखा तो उसमें मिट्टी तेल की गंध आई, उसको जलाया भी तो उसमें मिट्टी तेल जैसे जलने लगा था। पानी में आग लग रहा है मतलब? जी अपन तो फिर उसमें से डीजल की मात्रा निकला, उसके बाद में जब पानी को अपने जलाए, पानी तो जलता नहीं, फिर अपने कंडा में डालने के बाद में फिर जलाए उसको। कंकड़ डाल के देखा तो इसमें पानी की आवाज़ आई, हम लोगों ने सोचा पानी होगा इसमें, पर जब हमने सीसी धागे की सहायता से सीसी डालकर पानी निकाला तो उसमें तरल पदार्थ या तेल की मात्रा निकल के आ रही सामने। और ये ज्वलनशील है, इसमें लगता है मिट्टी तेल या डीजल की मात्रा है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए। We'll be right back.